अदब वाले की जानिब से अदब वालों के लिए। खुदकुशी कर रहे हो? करो। नोट भी लिख के जाओगे? वो भी लिखो। हाँ, मगर एक बड़ा मसला है कि जल्दी में लिखे हुए नोट में तुम जो बचपन से अब तक भुगत आए हो सब नहीं आएगा। तुम जो बचपन से अब तक भुगत आए हो सब नहीं आएगा। नोट में मास्टर की छड़ी, दोस्तों की दगाबाजियां, घर के झगड़ों से जख्मी हुई नफ्सियात और उम्मीदों के लाशें नहीं आएंगी। नोट में वो बदन भी नहीं आएंगे जिनकी ख्वाहिश में तुम रोज मरते रहे। नोट में फितरी जज्बे नहीं आएंगे। नोट में फितरी जज्बे नहीं आएंगे जो किसी जाबते या अकीदे या मजहब के डर के तले दब गए। नोट में एक ही रंग और मजहब के लोगों में जो जर की मकदार का फर्क है वो नहीं आएगा। नोट में तुम कोई एक सबब खुदकुशी का लिखोगे जो शायद सबब ही ना हो। हाय हाय। नोट में तुम कोई एक सबब खुदकुशी का लिखोगे जो शायद सबब ही ना हो। तुम किसी शख्स, महबूब या दोस्त को आखिरी काल पैगाम या खत में बतलाओगे तुमको उसके रवैये ने तोड़ा है, और वो रवैया भी शायद इरादी ना हो। फिर कोई तो तरीका निकालोगे जिससे जमाने को ये बात समझा सको खुदकुशी कत्ल है। खुदकुशी कत्ल है ये मुझे तो पता है, मगर यारे मन पोस्टमार्टम में ऐसा नहीं आएगा। खुदकुशी कत्ल है ये मुझे तो पता है, मगर यारे मन पोस्टमार्टम में ऐसा नहीं आएगा। तो फिर ऐसा करो, नोट ही ना लिखो, काल भी ना करो, बल्कि ऐसा करो, खुदकुशी मत करो। जो मसाइल तुम्हें इस नहज पर ले आए हैं वो सब के सब और भी कितने लोगों को दरपेश हैं, उनसे भी पूछ लो। मुझको लगता है सब मिलके सोचें तो सारे मसाइल का हल भी निकल आएगा। खुदकुशी बुजदली तो नहीं है, मगर और भी कितने रास्ते लड़ाई के हैं। खुदकुशी मत करो। एक मुख्तसर सी काविश अदब वाले की जानिब से। अगर आपको पसंद आए तो हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।